हाय दोस्तों, मैं सुखवीर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम आपको बताएंगे एक-एक अक्षर के बारे में। देखिए दोस्तों, हम कहां पर ई लिखें, कहां पर आई लिखें, कहां पर डबल ओ लिखें, कहां पर यू लिखें, एक-एक वर्ड मीनिंग के साथ हम आपको बताएंगे और इसमें साथ ही साथ हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे। देख लेते हैं पहले क्या-क्या सिखाएंगे। अ और आ में अंतर, कहां पर आ की मात्रा से ए लिखेंगे, कहां पर बिना मात्रा के भी ए लिखेंगे। इसके बाद छोटी की मात्रा कहां पर लगाते हैं, कहां पर आई लगाते हैं, कहां पर ए लगाते हैं। इसके बाद में कहां पर डबल ई लिखेंगे, कहां पर आई लिखेंगे, ये भी बताएंगे आपको। इसके बाद में कहां पर डबल ओ लिखना है, कहां पर यू लिखना है, नाम को कैसे लिखते हैं। अगर आपको नाम लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में कौन से अक्षर से कौन सा अंग्रेजी अक्षर लिखते हैं, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो मेरी क्लास नंबर 1 में ये सारी डिटेल दी हुई है, आप एक बार उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद ये वीडियो देखिए, समझ में आएगी। इसके बाद में ए और ए में अंतर, इसके बाद में ओ और अ, छोटी अंग और बड़ी अंग, इनके साउंड भी सीखेंगे साथ साथ। और एक-एक अक्षर के साथ, एक-एक अक्षर के साथ हम आपको सिखाएंगे अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। छोटे आ से ए, बड़े आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से आई भी लिखते हैं, डबल ई भी लिखते हैं, ये इनकी मात्राएं हैं। नीचे छोटे ऊ से यू, बड़े ऊ से डबल ओ और यू। सबसे ज्यादा ई में और यू में कंफ्यूजन होता है। रिर से आर आई ही लिखते हैं, छोटी ए से ए लिखते हैं, सॉरी ई लिखते हैं, बड़ी ए से ए आई, छोटे ओ से ओ, बड़े ओ से अ, सॉरी ए यू, और छोटी अंग से ए एन और बड़ी अंग से ए एच। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, इसमें हम समय नहीं बिताएंगे। अ से हम लिखते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा पहले से ही हर एक अक्षर में होती है। जब भी हम इनको अंग्रेजी में लिखेंगे तो हर एक अक्षर के साथ ए लगाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज बता देते हैं, हर एक जगह नहीं लगेगा। वो कहाँ लगेगा वो बता देंगे मैं आपको। इससे हम लिखते हैं ए, जैसे कमल, तो अंग्रेजी हमेशा साउंड पर ही लिखी जाती है। कमल तो कैसे लिखेंगे हम, के ए, मसे लिखेंगे एम ए और लसे लिखेंगे एल। अब लास्ट में हम ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट वाले अक्षर का साउंड कम आता है। कमल, ल के बाद अ का साउंड नहीं आता, लपे ही अटक जाती है जीव। कमल, जैसे पवन, पवन लिखा मैंने यहां पर, तो पसे लिखेंगे पी ए, वसे लिखेंगे डब्ल्यू ए और एन भी लिख, सॉरी वी भी लिखते हैं, और नसे लिखेंगे एन। अब यहां पर हम लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में, सॉरी लास्ट में कभी भी ए नहीं लगाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद है महक, मसे लिखेंगे एम ए, हसे लिखेंगे एच ए और कसे लिखेंगे के। लास्ट अक्षर में हम ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट अक्षर का साउंड ही कम आता है। दो अक्षर वाला नाम है फिर भी लास्ट में नहीं लगाएंगे, तीन अक्षर वाला नाम है उसमें भी लास्ट में नहीं लगाएंगे, चार अक्षर वाला नाम है तो दूसरे में और चौथे में ए नहीं लगाएंगे, दूसरे अक्षर में और चौथे अक्षर में। तो आगे की वीडियो में सब आपको डिटेल में बताएंगे एक एक करके। इसके बाद है आ, बड़े आ से डबल ए लिखते हैं, लेकिन अभी हम डबल ए नहीं लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए केवल एक ए ही लिखते हैं, डबल ए नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर आ कहीं बना है वहां पर हम डबल ए लिखते हैं, लेकिन सिंगल ए से भी काम चल जाता है, लेकिन डबल ए लिखोगे तो उसे कोई गलत नहीं बोल सकता, ना ही कोई गलत पढ़ पाएगा उसको। अब काजल, तो का से लिखेंगे हम के ए। अब आ की मात्रा है तब भी हम ए लगाएंगे, पहले अक्षर पे आ की मात्रा है तो हमने यहां पर ए लगाया। दूसरा है ज,
जैसे लिखेंगे जे ए, अब इस पे मात्रा नहीं है फिर भी हमने ए लगाया। ल, ल से लिखेंगे एल। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इसके पढ़ने में थोड़ी वो होती है, अगर आपके एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। अब यहां पर लिखिए के ए, इसे हम लिखेंगे क, और जे ए से लिखेंगे ज, और ल से लिखेंगे एल, सॉरी ल, एल से लिखेंगे ल। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कजल। तो कजल कोई शब्द नहीं होता, कजल कोई नाम नहीं होता। फिर इसे पढ़ेंगे कस, कपे आ की मात्रा लगाएंगे, काजल, हाँ ये शब्द है। तो इस तरह से आपको पहचानना होगा। इसके बाद है जापान, तो जा से लिखेंगे जे ए, पा से लिखेंगे पी ए, और न से लिखेंगे एन, जे ए पी ए एन, जापान। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए जा पे भी आ की मात्रा है फिर भी हमने ए लगाया, पा पे भी आ की मात्रा है फिर भी हमने ए लगाया, और इसमें किसी की मात्रा नहीं है कमल में फिर भी ए लगाया। तो आ में और इसमें हमेशा हम ए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें शब्द पढ़ना आना चाहिए। ऐसे हम जपन पढ़ेंगे तो जपन कोई शब्द नहीं है ना, जापन पढ़ेंगे फिर भी कोई शब्द नहीं है, जापान पढ़ेंगे फिर भी कोई शब्द नहीं, लेकिन जापान पढ़ेंगे तो ये नाम है। सपना, स से लिखेंगे एस ए, प से लिखेंगे पी। अगर लास्ट अक्षर पे किसी की भी मात्रा है, चाहे आ की है या ई की है, एक्स वाई जेड किसी की भी मात्रा है, तो दूसरे अक्षर पे अगर किसी की मात्रा नहीं है तो हम ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका साउंड कम आ जाता। मैंने आपको बताया ना कि साउंड पर ही इंग्लिश लिखते हैं, साउंड पर ही उसको पढ़ते हैं। तो अब इसको पढ़िए आप, सपना, सप के बाद अका साउंड नहीं आ रहा है इसलिए हम यहां पर ए नहीं लगाएंगे। सपना, सपना है ना, तो एन लिखेंगे और एन के बाद ए लगा देंगे, सपना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है अगला ई और बड़ी ई, छोटी ई से इका साउंड आता ए, क्यों साउंड भी बहुत जरूरी होता है। अगर साउंड आपको पता है, ए और ई में अंतर नहीं समझोगे तो तब तक मात्रा नहीं लगा पाएंगे आप। इससे हम लिखते हैं आई, जैसे विनय, वैसे लिखेंगे वी ए, सॉरी आई, ए हटा देंगे क्योंकि इस पे अब मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो वी, वैसे लिखते हैं हम वी ए, तब ए को हटा देंगे क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम वहां पर छोटी ई से जो लिखते हैं वो लिख देंगे। तो छोटी ई से लिखते हैं क्या, आई, तो यहां पर हमने लिख दिया आई। न, न से लिखेंगे एन, अब लास्ट अक्षर पे मात्रा है नहीं, दूसरे अक्षर पे भी नहीं, तो दूसरे अक्षर में हम ए लगाएंगे, और ए से लिखेंगे वाई, इसे हम पढ़ेंगे विनय। कपिल, अब इसमें दूसरे अक्षर पे मात्रा है तो क से लिखेंगे के ए, तो कपे कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगाएंगे उसमें। प, प से लिखेंगे पी, अब इसमें है छोटी ई की मात्रा तो ए नहीं लगाएंगे, अब हम क्या लगाएंगे, छोटी ई से लिखते हैं आई, तो हम यहां पर लगा देंगे आई। इसके बाद है ल, ल पे कोई मात्रा नहीं है तो हम केवल एल ही लिखेंगे, ठीक है, केवल एल लिखेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, कपिल। प्रगति, इसमें लास्ट अक्षर पे है तो देखिए प्र से लिखेंगे पी आर ए, र के लिए नीचे, नीचे जो र निकला हुआ है इसके लिए हम आर लिखेंगे। ग से लिखेंगे जी ए, क्योंकि लास्ट अक्षर पे मात्रा तो है लेकिन छोटी ई की है, प्रगते, प्रगते, ग का साउंड पूरा आ रहा है तो जी ए लिखेंगे। फिर टी आई, टी आई, प्रगति, ठीक है। इसके बाद है दीपक, डी से लिखेंगे डी डबल ई, देखिए बड़ी ई से हम ज्यादातर पहले अक्षर पे, दूसरे अक्षर पे अगर मात्रा होती है तो हमेशा हम डबल ई ही लिखते हैं, और डबल ई ही लिखना चाहिए। अगर लास्ट अक्षर पे मात्रा है बड़ी ई की तो वहां पर आप आई लिख सकते हैं। तो डी, प से लिखेंगे पी ए, और क से लिखेंगे के, डी डबल ई पी ए के, दीपक। मनीष,
अब इसमें दूसरे अक्षर पे मात्रा है तो म से लिखेंगे एम ए, नी से लिखेंगे एस एच आई सॉरी डबल ई, आई भी लिख सकते हैं बीच में भी लेकिन डबल ई लिखोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, स से एस एच। उसके बाद है गजनी, तो ग से लिखेंगे जी ए, नी से लिखेंगे यहां पर लिख देते हैं ग से लिखेंगे जी ए, जैसे लिखेंगे जे। अब लास्ट अक्षर पे ई की मात्रा है तो दूसरे अक्षर पे ए नहीं लगाएंगे, नी से लिखेंगे एन आई गजनी। इसके बाद बढ़ते हैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की ओर, छोटा ऊ और बड़े ऊ में अंतर। छोटे ऊ का साउंड होता है ओ, ओ जैसे सुमन, सुमन सुमन नहीं पढ़ते हैं, इसका होता है ओ, उसका होता है ऊ। तो इससे हम लिखते हैं यू सुमन, स से लिखेंगे एस, छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ से क्या लिखते हैं हम यू, तो यहां पर लिखेंगे यू। म, म से लिखेंगे एम ए, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगाएंगे। न से लिखेंगे एन, एस यू एम ए एन सुमन। नकुल, न से लिखेंगे, अब इसमें पहले अक्षर पे कोई मात्रा नहीं है तो एन ए लिखेंगे, न से क्या लिखते हैं एन ए। क से लिखेंगे के, अब इस पे है छोटे ऊ की मात्रा तो हम यहां पर ए नहीं लिखेंगे यू लिखेंगे, ठीक है यू। ल से लिखेंगे एल, लास्ट अक्षर पे मात्रा ए लगाते नहीं है तो एन ए के यू एल नकुल। दयालु, द से लिखेंगे डी ए, अब इसमें दूसरे अक्षर पे ए से लिखेंगे वाई, अब लास्ट अक्षर पे मात्रा तो है लेकिन इस पे भी मात्रा है तो मात्रा के लिए ए जरूर लगाएंगे। दया लु, ल से लिखेंगे एल सॉरी एल और ऊ की मात्रा के लिए यू दयालु। सूरज, सु से लिखेंगे एस डबल ओ, र से लिखेंगे आर ए और ज से लिखेंगे जे। पहले या दूसरे अक्षर पे मात्रा है तो आप आराम से डबल ओ लिखिए। देखिए छोटा नाम लिखने के लिए आप लिख तो लेते हैं लेकिन बढ़िया रहेगा और जो शुद्ध नाम होगा वो एस डबल ओ ही होगा, एस डबल ओ आर ए जे, इसे हम पढ़ेंगे सूरज। अनूप, तो असे वैसे अनूप लिखते हैं तो ऐसे असे लिखेंगे ए, नू से लिखेंगे एन, बड़े ऊ के लिए लगा देते हैं यू और प से लिखेंगे पी, तो इसे कोई कोई अनूप भी पढ़ता है अनूप, लेकिन अगर आपने यहां पर डबल ओ लिखा हुआ है डबल ओ तो हर एक बंदा आपको इसे अनूप ही पढ़ेगा अनूप। तो ए एन डबल ओ पी अनूप। इसके बाद में है बबलू, बसे लिखेंगे बी ए, फिर बसे लिखेंगे बी, अब लास्ट अक्षर पे मात्रा है तो दूसरे अक्षर पे ए नहीं लगाएंगे, लू से लिखेंगे एल यू। लास्ट अक्षर पे आप इसमें भी डबल ओ की जगह यू लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट अक्षर का साउंड कम हो जाता है, जैसे बबलू बबलू है ना, इसीलिए। अब इसके बाद है ए और अ में अंतर, सॉरी ए और अ में अंतर। ए, ए का साउंड होता है ए, छोटी ए का साउंड ए, ए इससे हम लिखते हैं ई, क्या लिखते हैं ई, जैसे कसे लिखेंगे के ए सॉरी ई के ई, क्योंकि इसमें ए किससे क्या लिखते हैं ए, ए से क्या लिखते हैं ई। श से लिखेंगे एस एच, एस एच ए, व से लिखेंगे वी, के ई एस एच ए वी, इसे हम पढ़ेंगे केशव, क्या पढ़ेंगे केशव, एस एच ए वी केशव। इसके बाद है नरेश, तो न से लिखेंगे एन एन और ए,
क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो हम यहां पर ए लगाएंगे, र से लिखेंगे हम आर। अब इस पे है छोटी ए की मात्रा, एक मात्रा छोटी ए की होती है, तो इसमें लिखेंगे हम ई। श से लिखेंगे एस एच। इसके बाद है सपने, तो स से लिखेंगे एस ए। प से लिखेंगे हम पी। अब लास्ट अक्षर पे ए की मात्रा है, तो यहां पर पी के बाद ए नहीं लगाएंगे। ने से लिखेंगे एन ई, सपने, क्योंकि दूसरे साउंड का जो लास्ट अक्षर पे अगर मात्रा होती है तो दूसरा साउंड जो होता है बीच वाला, तो उसका साउंड कम हो जाता है, जैसे सपने। प के बाद अ का साउंड नहीं आ रहा है, सपने, तो इसलिए। इसके बाद है बड़ी ए, इसका साउंड होता है आय, आय, इससे हम लिखते हैं ए आई। तो र से हम लिखेंगे आर। अब यहां पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ए पे, सॉरी र पे आई की मात्रा है, तो ऐसे क्या लिखते हैं ए आई, तो यहां पर हम लिख देंगे ए आई। दा, दा से लिखेंगे डी ए। स से लिखेंगे एस, आर ए आई डी ए एस, रैदास। इसके बाद में है सदैव, तो स से लिखेंगे एस, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो हम लगाएंगे ए। द से लिखेंगे डी, द से लिखेंगे डी। अब इस पे है आई की मात्रा, तो ए नहीं लगाएंगे, ऐसे क्या लिखते हैं ए आई, तो यहां पर लिखेंगे ए आई। और व से लिखेंगे हम वी, सदैव। अब यहां पर है सहदेव, तो स से लिखेंगे एस, अब यहां पर आई की मात्रा है तो इससे लिखेंगे ए आई। दे, दे से लिखेंगे डी, और ए की मात्रा के लिए ई, व से लिखेंगे वी, एस ए आई डी ई वी, इसे हम क्या पढ़ेंगे सहदेव। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला है हमारा ओ और अव में अंतर। तो ओ, ओ का साउंड, छोटे ओ का साउंड होता है ओ, तो इससे हम लिखते हैं ओ, ओ ही लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं ओ। तो यहां पर है क, तो क से लिखेंगे हम के। अब इसमें ओ की मात्रा है तो ए नहीं लगाएंगे, तो ओ से क्या लिखते हैं ओ, तो यहां पर हम लिखेंगे ओ। म, म से लिखेंगे हम एम ए। ल से लिखेंगे एल, के ओ एम ए एल, कोमल, मनोज। म से लिखेंगे एम, अब इस पे कोई मात्रा नहीं है तो हम यहां पर ए लगाएंगे। न, न से लिखेंगे एन, अब इस पे किसकी मात्रा है ओ की, तो यहां पर हम लिख देंगे ओ। ज से लिखेंगे जे, एम ए एन ओ जे, मनोज। अगला है उसको, उसे लिखेंगे यू। स से लिखेंगे एस, अब लास्ट अक्षर पे मात्रा है तो ए नहीं लगाएंगे। को, को से लिख देंगे के ओ, उसको। गौरव, ग से लिखेंगे जी, औ की मात्रा, औ से लिखते हैं क्या ए यू, इसका साउंड होता है औ, जैसे गौरव, तो ग से हम लिखेंगे जी ए, सॉरी ए नहीं लगाएंगे अब हम, औ की मात्रा है तो लिखेंगे ए यू। र से लिखेंगे आर ए, और व से लिखेंगे वी, क्योंकि र पे कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए हम र के बाद, आर के बाद ए लगाएंगे। व से लिखेंगे वी, इसे हम पढ़ेंगे गौरव। सरोता, स से लिखेंगे एस, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो हम लगाएंगे यहां पर ए। रव, र से लिखेंगे आर, इस पे औ की मात्रा है तो औ की मात्रा से लिखते हैं ए यू, तो यहां पर लिखेंगे ए यू। ता, ता से लिखेंगे टी, अब इस पे आ की मात्रा भी है तो हम ए लास्ट में लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके बाद है रौनक, रौनक, र से लिखेंगे हम आर, अब इस पे किसकी मात्रा है औ की, तो औ से हम लिखते हैं ए यू, इसे हम पढ़ेंगे रौ। न से लिखेंगे एन ए, और क से लिखेंगे के, इसे हम पढ़ेंगे रौनक। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर, अंग है लास्ट है अंग, अह, अंग, छोटी अंग का साउंड होता है अंग, इससे हम लिखते हैं ए एन, यानी इससे दो नाम आते हैं, एक अंग का भी नाम आता है और आधे मका भी साउंड आता है, नका और मका। जैसे संजय, तो स से लिखेंगे एस, अब अंग की मात्रा से क्या लिखते हैं, अंग से क्या लिखते हैं
एन, तो यहां पर लिख देंगे एन एन, जैसे लिखेंगे जे जे ए, ऐसे लिखेंगे वाई, एस ए एन जे ए वाई, संजय, बसंत, तो बसे लिखेंगे बी, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो लगाएंगे ए, ससे लिखेंगे एस, इस पे अंकी मात्रा है, अंकी मात्रा से लिखते हैं ए एन, और तसे लिखेंगे टी, इसे हम पढ़ेंगे बसंत। अब इसके बाद में है चंपक, इसमें आधे म का साउंड है, किसका, चंपक तो नहीं पढ़ेंगे, चंपक कोई शब्द ही नहीं होता है, इसे हम पढ़ेंगे चंपक, चंपक एक नाम है, तो इससे लिखेंगे सी एच ए एम, चम, पक पी ए, और कसे लिखेंगे के, चंपक। अंततः इस तरह की बड़ी अंक की मात्रा से हम लिखते हैं ए एच, लेकिन इस तरह से कोई नाम नहीं है, जाते संस्कृत में प्रयोग होता है, नाम में तो ये आते ही नहीं है, तो इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फिर भी हमने दो शब्द लिख, दो नाम लिख दिए हैं, दो शब्द लिख दिए यहाँ पे। अंततः, तो अ से लिखेंगे ए, सॉरी अंग से लिखेंगे ए एन, क्या लिखेंगे ए एन, तसे लिखेंगे टी ए, फिर तसे लिखेंगे टी ए एच, अंततः। इसके बाद में है भ, भ से लिखेंगे बी एच ए, व से लिखेंगे वी, और न से लिखेंगे एन ए एच, अंततः, सॉरी भवन। इसके बाद में थोड़ी अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो एक नाम मैं आपको दे देता हूं, आपको नाम देता हूं मैं प्रवेश, प्रवेश को अंग्रेजी में लिखकर हमें सेंड कीजिए, प्रवेश को अंग्रेजी में लिखकर हमें जरूर भेजें। इसके बाद में हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला नाम है सुरेश, तो हमने स से क्या लिखेंगे एस, अब इस पे छोटे ऊ की मात्रा है तो एस के बाद ए नहीं लगाएंगे, छोटे ऊ से क्या लिखते हैं हम यू, तो यहां पर लिखेंगे यू, र से लिखेंगे आर, ए की मात्रा लगी हुई है इस पे तो हम ए नहीं लगाएंगे, ए की मात्रा से क्या लिखते हैं ई, इसके बाद है श, श से लिखते हैं एस एच, और लास्ट अक्षर में हम कभी ए लगाते नहीं है, तो एस यू आर ई एस एच, इसे हम पढ़ेंगे सुरेश। इसके बाद है मंजेश, तो म से लिखेंगे एम, अंक की मात्रा के लिए ए एन, ज, जैसे लिखेंगे जे, अब जे पे भी ए की मात्रा लगी हुई है तो इससे क्या लगाएंगे ई, श से लिखेंगे एस एच, मंजेश। इसके बाद है प्रमोद, देखिए प्र से लिखेंगे पी आर, पी आर, उसके बाद में मो, मो से लिखेंगे ए और लगाएंगे, मो से लिखेंगे एम, ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं ओ, ओ, द से लिखेंगे डी, पी आर ए एम ओ डी, प्रमोद। इसके बाद में है ब्रजेश, बी, अब इसमें नीचे र निकला हुआ है, ये किसका है रिर का, तो रिर से हम क्या लिखते हैं आर आई, तो यहां पर लिखेंगे आर आई, ब्रे जे, जैसे लिखेंगे जे, अब इस पे किसकी मात्रा है छोटी ए की, और छोटी ए से हम लिखते हैं ई, श, श से लिखेंगे एस एच, इसे हम क्या पढ़ेंगे ब्रिजेश, ब्रजेश नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ब्रिजेश। योगेश, यो से लिखेंगे वाई, ओ की मात्रा के लिए ओ, इसे हम पढ़ेंगे यो, ग से लिखेंगे जी, अब इसमें किसकी मात्रा है छोटी ए की, तो छोटी ए से लिखेंगे ई, श से लिखेंगे एस एच, योगेश। व से लिखेंगे वी, यहां पर इस पर किसकी मात्रा है छोटी ई की, तो छोटी ई से क्या लिखते हैं आई, वे, व से फिर लिखेंगे वी,
इससे क्या छोटी ए से फिर क्या लिखेंगे? ई क क से क्या लिखेंगे? के, VIVEK, विवेक। इसके बाद में है दुर्गेश, तो दु से लिखेंगे डी, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, क्या लिखेंगे? यू। ग से लिखेंगे जी, सॉरी जी नहीं लिखेंगे अभी, गपे जो ऊपर निकला हुआ है ये, तो इसको हम इस अक्षर से पहले लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे आर। अब लिखेंगे ग, अब गपे किसकी मात्रा है? ई की, तो यहां पर लिखेंगे ई, ए की मात्रा है, ए से लिखते हैं ई। श से लिखेंगे एस एच, दुर्गेश। हर्षित, हसे लिखेंगे एच, अब इस पे कोई मात्रा नहीं है तो हम लगाएंगे यहां पर ए। श, श से लिखेंगे क्या? एस एच, सॉरी इस पे रवि तो निकला है ऊपर, तो इसके लिए लिखेंगे आर। श से लिखेंगे एस एच, अब लिखेंगे छोटी की मात्रा के लिए आई, और त से लिखेंगे टी, हर्षित। अब एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं इसी वीडियो में, ये र तीन तरह से निकलते हैं, ठीक है? एक र, दूसरा र और तीसरा र, तो इनमें थोड़ा अंतर समझ लीजिए आप। एक ये र हो गया, एक ये र हो गया, एक ये र हो गया, तीन हो गए। अब ये नीचे वाला जो र होता है, ये जो प्र में निकला हुआ है, तो इसे हम प के साथ ही पढ़ेंगे, प्र, क्या पढ़ेंगे? प्र, अका साउंड आना चाहिए, इसमें अका साउंड आना चाहिए, प्र प्र प अ प्र। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? प्र से लिखेंगे पी आर ए, इससे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? पी आर ए, ये हो गया प्र। अब मोद के लिए लिख देंगे MOD, प्रमोद, ठीक है? तो इससे हम लिखते हैं क्या? पी आर ए। अब ये हो गया र, इससे हम पढ़ते हैं रे, ये किसका र है? रिर का, तो इसे हम पढ़ेंगे रे, जैसे ब्रे, ब्रिजेश, ब्रिजेश, है ना, हृदेश, इस तरह से, जैसे हृदेश लिखते हैं ना, यहां पर र निकलता है इस तरह से, हृदेश या हृदय, है ना, यही र निकलता है। तो इसे हम लिखते हैं जैसे बी आर आई, इसको हम बी आर आई से लिखते हैं। अब इसके बाद में एक ये है, इसको हम कैसे लिखते हैं? अब जहां यहां पर लिखा हुआ है डी, और ये निकला हुआ, सॉरी द, और इसमें ये किसमें निकला है? ग में, तो आगे वाले अक्षर को पहले लिख लेंगे डी यू, इसे हम पढ़ दिया दो। अब ये जो जिस अक्षर में निकलता है उस अक्षर से पहले र के लिए आर लिख दो, आर लिख दिया, अब आर से कहानी खत्म। अब क्या लिखेंगे? गे, तो गे से लिखेंगे, ग से लिखेंगे जी, और एक ही मात्रा के लिए ई, यानी इसको हम कैसे लिखते हैं? जिस अक्षर पे जैसे ये गपे निकला हुआ है, गे गपे निकला हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे पहले र के लिए, फिर जी के लिए, ग के लिए, उसके बाद मात्रा के लिए, जिस अक्षर में। अब जैसे यहां पर निकला हुआ है हमें, ठीक है, यहां पर निकला हुआ है हमें, सॉरी समय, तो यहां पर हसे लिखेंगे एच ए। अब समय निकला हुआ, तो स से पहले आर लिख देंगे र के लिए, अब श से लिखेंगे एस एच, और आई की, सॉरी छोटी की मात्रा के लिए आई, हर्षित। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड अलग अलग तरह की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।